हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह, आपका यूपीपीएससी यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर नंबर 4 में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जीएस पेपर नंबर 4 के बारे में, जिसका काफ़ी हद तक सिलेबस, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं, 50% रह गया है, तो उसको भी मैं जल्द से जल्द यहाँ कम्प्लीट करवाऊँगी। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दार्शनिक, विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता या सुधारक, जो हमारे पॉइंट्स में दिया हुआ है, आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं। तो उनके अंतर्गत मैं सबसे पहले यहाँ महावीर स्वामी के बारे में आप कराऊंगी, इसी तरह बौद्ध, अरविंदो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी ऑलमोस्ट पॉपुलर नेता हैं, चाहे वो इंडियन हो, और हम कुछ वर्ड से भी लेंगे, कुछ अदर कंट्री से भी लेंगे दार्शनिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, जैसे रूसो हो गया, कांट हो गया, इस टाइप से, ताकि वो काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है वो हम ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकें। तो काफ़ी हद तक हम लोग यहाँ कम से कम 25 से 30 यहाँ सामाजिक सुधारक और कार्यकर्ता यहाँ करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी। इससे पहले जीएस 1, 2, 3 हमने मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे लगातार सीरीज चल रही है, आज चौथी है यहाँ पर जीएस 4 की। कल वापस मैं जीएस 1 के कुछ टॉपिक लेकर आऊँगी, ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो महावीर स्वामी का यहाँ प्रारंभिक जीवन हमें देखना है, कि उनकी ये जो नॉर्मल होता है जीएस के पेपर में भी आता है, कि जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कैसी हुई, फिर उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इस टाइप की चीज़ें हमें प्रारंभिक जीवन में देखना है, माता पिता कौन थे इनके, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट उनकी शिक्षाएं, उन्होंने कौन कौन से शिक्षाएं हमारे समाज को दी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उसके बारे में यहाँ देखेंगे। जैन धर्म का भारतीय समाज में क्या योगदान था, वो एक बार रीड करेंगे यहाँ पे। और जैन दर्शन का हम मूल्यांकन करेंगे, मतलब इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन मतलब ये होता है कि क्या उसमें अच्छी बातें थी, क्या उसमें खराब बातें थी, और दोनों का अवलोकन करना वहाँ पर। तो ये हम यहाँ टॉपिक यहाँ पे पूरा ओवरऑल यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन, ये आप लोग ऑलमोस्ट जीएस में कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार बस मैं इसे गो थ्रू कर देती हूँ। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और अगर आप पैराग्राफ में लिखना चाहें तो वहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, वो 24वें तीर्थंकर थे, पहले नहीं थे, ये 24 तीर्थंकर थे, और इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और उनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनको और अन्य नामों से जाना जाता था, जिन्हें वीर, अतिवीर, वर्धमान और सन्मति भी कहा जाता था। इनकी शिक्षाएं थी, अभी तो हम मोटा मोटा ये देख लेते हैं, इसके अलावा भी हम जो प्रॉपर डिटेल में करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे कि इनकी शिक्षाएं थी अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, और इनकी सत्य शिक्षा के अंतर्गत सत्य भी आता है, और ब्रह्मचर्य भी इनके अंतर्गत आता है। तो काफ़ी चीज़ें इनके पूर्व जो तीर्थंकर थे, इनसे पहले मतलब 23वें तीर्थंकर थे, वो थे पार्श्वनाथ। इनके वंश की अगर बात करते हैं तो इक्ष्वाकु वंश के थे, पिता का नाम था राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनका जन्म हुआ था चैत्र शुल्क त्रयोदशी को, और जन्मस्थान था कुंडलग्राम वैशाली के निकट। मोक्ष ने कार्तिक अमावस्या को प्राप्त हुई थी, और मोक्ष स्थान था पावापुरी, जिला नालंदा, बिहार में। तो ये नॉर्मल इसके इनके बारे में पूरा एक ओवरऑल डाटा है। मैं इसको एक स्टोरी की तरह मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वैसे तो ये महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक जीवन है, ये आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो मेंस में आता है वो प्रारंभिक जीवन पे नहीं आएगा। ये प्रारंभिक जीवन ऑलमोस्ट आपको ओनली एक जो इंट्रो देना, इंट्रो का पार्ट होता है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो महावीर स्वामी जो थे वो इनके पिता जो थे वो ज्ञातक कबीले के मुखिया थे, जो कि लिच्छवी गणराज्य में एक प्रमुख कबीला माना जाता था। और इनकी जो माता त्रिशला थी, वो थी राजा चेटक की बहन। वर्धमान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु जब हो गई, तो अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन, जिनका नाम था, उनसे आज्ञा लेकर सांसारिक जीवन परित्याग करने और संन्यास ग्रहण कर लिया। उन्होंने सत्य की खोज से के लिए वो घर से निकल गए। उन्होंने अपने 12 वर्ष की तपस्या में ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में
साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल की जो दशमी थी उसमें ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य भी कहा जाता है यहाँ पर, और वो कैवलिन भी कहलाए। इसकी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें कैवलिन कहा गया, और इसी समय उनको जिन भी कहा गया, जिसे विजेता कहते हैं, अहर्त जिसे पूज्य कहा जाता है, और निर्गंत मतलब बंधनहीन भी वो कहलाए। कौशल मिथिला चंपा मगध आदि महाजनपदों में महावीर ने 30 वर्षों तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। 72 वर्ष की आयु में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, जो कि 468 ईसा पूर्व में या फिर 570, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मतभेद हो जाता है कैलेंडर में, तो ये अलग अलग डेट यहाँ पे लिखी हुई है, आप दोनों यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे। यहाँ पे इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, जो कि पावापुरी बिहार के राजगिरी के निकट में प्राप्त हुआ था। अपने समस्त इंद्रियों को इन्होंने बस में कर लिया था, जिसके लिए इन्हें जिन या विजेता कहा गया, और इसी जिन शब्द से ही जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है। महावीर को अव्यवस्थित जन विश्वासों को व्यवस्थित तथा सुदृढ़ धर्म में संहिता बंद करने का श्रेय भी जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का श्रेय भी महावीर स्वामी को ही जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं की अगर बात करें, उन्होंने मुख्यतः तीन तरह की शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने त्रिरत्न के बारे में बताया, उन्होंने पंच महाव्रत के बारे में बताया, उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम यहाँ त्रिरत्न के बारे में देखते हैं कि इन्होंने त्रिरत्न के बारे में क्या कहा है। अब मेंस का जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से आगे बनता है। इससे पहले हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन किया, मेंस का क्वेश्चन ऐसे बनेगा आप यहाँ से। आपसे अब त्रिरत्न के बारे में आपसे पूछेंगे तो आप यहाँ बताएंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये होते हैं त्रिरत्न। महावीर ने कहा कि मनुष्य जो है त्रिरत्न जो होते हैं वो मनुष्यों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते हैं, कर्म से बंधनों को मुक्त करने के लिए, और ज्ञान प्राप्ति हेतु त्रिरत्न का यह मार्ग अपनाना चाहिए, जो कि है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अगर हम इन तीनों की डिटेल में चर्चा करें तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सच्चा व पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक ज्ञान से सत्य और असत्य का भेद भी स्पष्ट हो सकता है, और जैन आगमों के कथनों को ठीक से समझना और उन पर चिंतन मनन करना ही सम्यक ज्ञान होता है। अब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य जैन दर्शन, जैन जो तीर्थकर हैं उनमें विश्वास रखना और सत्य के प्रति श्रद्धा रखना, ये होता है सम्यक दर्शन। और जो ज्ञान यथार्थ होता है वही सत्य होता है, और ऐसा ज्ञान जैन तीर्थकरों के उपदेशों से प्राप्त होता है, और उनके उपदेशों का ही हमें शत प्रतिशत पालन करना चाहिए, ये है सम्यक दर्शन। सम्यक चरित्र की अगर हम बात करते हैं तो अपने इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण रखना ही हमारा सम्यक चरित्र होता है। जीवन में सुख दुख के प्रति संभाव रखना, मतलब कि बहुत सुख में बहुत ज़्यादा खुश ना होना और दुख में बहुत ज़्यादा दुखी ना होना, एक तरह का भाव रखना ही सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र कहलाता है। सम्यक चरित्र के द्वारा जीवन जो जीव होता है, प्रत्येक मनुष्य होता है, जीव होता है, वो अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इसीलिए ये तीन जो रत्न होते हैं वो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो यहाँ तीन रत्नों की हमने यहाँ बात की, जो कि महावीर जैन जो हैं उनकी शिक्षाओं के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पंच महाव्रत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये पंच महाव्रत आप याद रखेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह और पर ब्रह्मचर्य, पांच महाव्रत होते हैं जो कि महावीर स्वामी ने दिए, जिनका पालन करना प्रत्येक जैन अनुयायी या साधन के लिए, साधक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अब अहिंसा की अगर हम सत्य की यहाँ बात करें तो महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलो की अवधारणा पर बल दिया, जो असत्य है उसका त्याग यहाँ करना चाहिए। जिन बिना विचारे किसी भी विषय पर इंसान को नहीं बोलना चाहिए, और यदि कोई बात सत्य हो परंतु कड़वी हो तो उसे नहीं बोलना चाहिए। यहाँ ये लाइन बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, क्रोध, अहंकार व लोभ के समय हमें भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये महावीर स्वामी ने कहा, और डर और हास्य में भी हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। तो ये हमारे सत्य के बारे में महावीर स्वामी के विचार थे। अब अहिंसा के विचार देख लेते हैं, तो यहाँ मैं नॉर्मल अहिंसा की एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, आप अपने शब्दों में ये पूरा डिटेल यहाँ लिखेंगे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। पंच महाव्रत को विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए तो आप पूरा ये विस्तार
विचार पूर्वक लिखेंगे। यहाँ पे अहिंसा की बात करते हैं तो महावीर स्वामी के अनुसार अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी जीवधारी की हत्या नहीं की जाए, अपितु किसी की हत्या करने का विचार करना ही यहाँ पर पाप माना जाता है, हिंसा मानी जाती है। मतलब कि यहाँ अगर ओवरऑल अहिंसा की बात करें तो मन वचन कर्म से किसी को भी दुख ना पहुँचाने की संकल्पना मतलब इच्छा ही अहिंसा कहलाती है। तो अहिंसा के मतलब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। अब अस्तेय थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो अस्तेय का मतलब होता है किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक वो अपनी मर्जी से अपनी वस्तु ना दे तब तक उसे नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जैसे दो चार एग्जाम्पल जैनियों ने दिए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बिना आज्ञा लिए दूसरों के घरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। भिक्षा में मिले भोजन को गुरु की अनुमति से ही यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। घर के मालिक की आज्ञा के बिना घर के किसी भी सामान का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये अस्तेय होता है। अब बात करते हैं अपरिग्रह की। तो अपरिग्रह का अर्थ है साधनों का संग्रह ना करना। मतलब कि मन कर्म वचन तीनों जो स्तर पर संग्रह या संग्रह करने की इच्छा भी त्याग कर देना। आपने इस पास सामानों को इकट्ठा करके ना रखना, ये नॉर्मल सा मतलब है कि धन हो गया, जमीन हो गई, इन सब चीज़ों का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। जैसे कि किसी भी वस्तु व व्यक्ति के प्रति आसक्त ना रहना ही अपरिग्रह होता है। संपत्ति का संचय ना करना भी यहाँ पर अपरिग्रह के एग्जाम्पल में आ जाता है। तो जितने भी मैं आपको यहाँ महाव्रत बता रही हूँ इसके साथ अगर आप उदाहरण दे देंगे जैसा कि मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ में, तो इस पे आपके एग्जाम में आपके आंसर को और भी अच्छी हाईलाइट में यहाँ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। तो सभी इंद्रियों विषय वासनाओं का त्याग कर सम्यक संयम का जीवन व्यतीत करना ही कहलाता है यहाँ पर ब्रह्मचर्य। जैन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य के लिए निम्नलिखित व्यवस्था मतलब जो भी मैं आपको बताऊंगी वो व्यवस्था की गई है ताकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जा सके। मतलब अपने इंद्रियों को अपने वश में करना ही ब्रह्मचर्य यहाँ कहलाता है। किस जैसे कि जैनियों ने कहा है कि किसी भी स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए, किसी भी स्त्री की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, गृहस्थ जीवन में स्त्री के सुख की चिंतन नहीं करना चाहिए और अधिक व स्वादिष्ट भोजन का भी यहाँ त्याग करना चाहिए। ये भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और मन कर्म वचन सबसे अपनी वासनाओं को त्याग देना ही ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो आप होप ये पांचों जो पंच महाव्रत हैं अच्छे तरह समझ गए होंगे विद एग्जाम्पल। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। चलिए आगे हम बात करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहला इनका सिद्धांत है वो है कर्मवाद। कर्मवाद का मतलब होता है कर्मवाद जो है वो भारतीय दर्शन से लिया है इन्होंने कि भारतीय दर्शन में कर्मवाद का विशेष महत्व होता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों के लिए हमें अच्छे फल मिलते हैं मतलब कि हम पुरस्कार कह सकते हैं और बुरे कर्मों के लिए हमें दंड मिलता है। तो यही है जैन धर्म के कर्म का सिद्धांत। इसलिए यहाँ पर हम कर्मवाद पर विशेष बल देते हैं। और ये जो सिद्धांत होता है कर्मवाद का वो भाग्यवाद की आलोचना करता है। मतलब कि इसके अनुसार भाग्य नहीं होता, हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो आप कर्मवाद का सिद्धांत यहाँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्यादवाद की। तो स्यादवाद के अंतर्गत आता है कि किसी भी तथ्य को अंतिम रूप से सत्य मानने से यहाँ अस्वीकार किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक तत्व या प्रत्येक जो तथ्य होता है या प्रत्येक जो बात होती है अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो परिवर्तनशील होती है, हमेशा बदलती रहती है। किसी भी एक वस्तु की या किसी भी एक बात को देखने का एक पर्टिकुलर आदमी का एक पर्टिकुलर नज़रिया होता है। तो हर एक आदमी को वो बात या वो वस्तु अलग अलग तरह से दिखाई देती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर वस्तु आपको इस तरह से दिखाई दे रही है तो आप गलत हो या आपको इस तरह से दिखाई दे रही है तो आप गलत हो, क्योंकि सबका अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। इसीलिए यहाँ स्यादवाद का सिद्धांत दिया गया है कि जैन दर्शन जो है इसमें
लोगों के बीच विवाद से बचने के लिए उन्होंने स्यादवाद का सिद्धांत दिया है कि अगर कोई वस्तु या कोई बात अगर प्रॉपर वे में अगर समझ में नहीं आ रही है तो उस शब्द के आगे शायद जोड़ दिया जाएगा कि शायद ये बात सत्य हो सकती है, शायद यह बात सत्य नहीं हो सकती। तो आपको होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैं ये स्यादवाद, क्योंकि ये थोड़ा सा दर्शन से रिलेटेड टॉपिक है तो ये कम समझ में आएगा, अगर नहीं आया है तो मैं ज़रूर इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनीश्वरवाद। तो शब्द से ही समझ में आ रहा है, अनीश्वरवाद का मतलब होता है कि यहाँ ईश्वर की धारणा को माना नहीं गया है, ईश्वर को अस्वीकार कर दिया गया है। कि इनका तर्क है कि जगत में ईश्वर है तो फिर दुख क्यों आता है, मेनली इन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया है। अनीश्वरवाद से इनका यह तात्पर्य है कि वेदों की जो सत्ता है उसको नकार देना, क्योंकि ईश्वर तो वेदों के अंतर्गत आता है, वेदों की रचना अगर कही गई है तो ईश्वर ने ही की है। तो अगर ईश्वर ने वेदों की रचना की है तो उसमें बलि और कर्मकांड का क्यों समावेशन किया गया है, तो ये जैन धर्म के जो तीर्थकर है वो पूछते हैं, इसलिए इन्होंने अनीश्वरवाद का सिद्धांत अपनाया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आत्मवाद की। तो आत्मवाद का मतलब है कि जैन दर्शन आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करता है, मतलब कि एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है जो यहाँ पर जन्म लेती रहती है और आगे चल के मतलब कि एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर को ग्रहण करती है, तो ये स्वीकार किया है इन्होंने, ईश्वर को नहीं माना पर आत्मा को इन्होंने माना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो है वो तत्व मीमांसा से संबंधित है। अनेकांतवाद के अनुसार इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं हैं और उनके जो गुण तत्व हैं वो सब अलग अलग हैं। जैन दर्शन मानता है कि मनुष्य पेड़ पौधे में ही चेतना या जीव नहीं होते, बल्कि धातु पत्थर जैसे जड़ पदार्थ में भी जीव रहते हैं। अनेकांतवाद यह भी कहता है कि वस्तु के अनेक गुण और धर्म होते हैं और वस्तु के अनेक धर्म आते और जाते भी रहते हैं, अर्थात पदार्थ उत्पन्न और विनिष्ट होता रहता है। पदार्थ का लक्षण जो है बनना, बिगड़ना और फिर से बन जाना। अनेकांतवाद में समस्त विरोधों का समन्वय होता है, अतः सत्य को अनेक दृष्टि से देखा जाता है। मतलब कि यहाँ मेन फोकस किया गया कि जितनी भी जगत में वस्तुएं हैं उसमें सब में जीव होता है, सब एक बार बनती हैं फिर डेवलप होती हैं और फिर बिगड़ती हैं, तो ये है अनेकांतवाद का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो जैन धर्म का योगदान क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विशिष्ट दर्शन का विकास, इन्होंने एक अपने जो भारतीय संस्कृति है उसमें एक विशिष्ट दर्शन का विकास किया है, एक नया दर्शन जैन धर्म के तौर पे लेके आए हैं, जिसमें अलग अलग अवधारणाएं हैं, जो अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग शिक्षाएँ हैं, जिसकी हमने अभी आगे की क्लासेस में अभी जो लेक्चर किया है उसमें हमने बात की है। नेक्स्ट बात किया है इसमें जाति व्यवस्था पर कुटाराघात किया इन्होंने, इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था इन सबको नहीं माना है और इन सब पे बहुत ज़्यादा प्रहार किया है। हिंदू धर्म की शुद्धि, मतलब कि इन्होंने वेदों को नहीं माना, वेदों के अंदर जो कर्मकांड हैं, जो बलि की प्रथा है उसको नहीं माना, तो इससे हिंदू धर्म की शुद्धि के ओर इनका रास्ता इन्होंने अपनाया। नेक्स्ट बात करेंगे सार्वजनिक उपयोगिता की ओर अधिक ध्यान, मतलब एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसके अंदर ही एक आत्मा का वास होता है, इन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। नेक्स्ट है अहिंसा और शांति पर इन्होंने जोर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अहिंसा की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें मतलब कि किसी के प्रति मारने की उसको या उसके प्रति बुरा सोचना भी यहाँ पर हिंसा की श्रेणी में आ जाता है, और शांति की तरफ इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। साहित्य के विकास में इन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया, साहित्य में इन्होंने अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में कई उपदेश दिए महावीर स्वामी ने, और इन्हें इनको एक पूरा प्रॉपर एक संकलन किया गया, और फिर बाद में इसे अपभ्रंश भाषा या क्षेत्रीय भाषा में भी इसका विकास हुआ, विशेषकर गुजराती, राजस्थानी और अपभ्रंश का व्याकरण जैनियों ने ही यहाँ हम कह सकते हैं विकसित किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में योगदान। तो वास्तुकला के क्षेत्र में मथुरा की जैन मूर्तिकला शैली है विशेष रूप से यहाँ उल्लेखनीय है।
गुप्त काल में मथुरा जैन मूर्ति कला के अपने उत्कर्ष पर थी। इसमें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर आदि की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई। तो वास्तुकला का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ प्रॉपर आप डिटेल में देंगे कि वास्तुकला के अंतर्गत जैन धर्म का क्या योगदान था। और ये मैंने आपको GS पेपर 1 में भी करा रखा है वास्तुकला में जैन धर्म का योगदान, तो आप ये चीज अच्छे से वहां भी देख सकते हो। तो ये आप यहाँ पे इंटरलेट करोगे पेपर 1 प्लस पेपर 4 को। नेक्स्ट इसमें और भी देख सकते हैं कि माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है। जोधपुर में औसिया और रौनकपुर के मंदिर भी जैन धर्म से ही यहाँ संबंधित हैं। देवगढ़ के दशावतार मंदिर के अभिलेखों में जैन संत शांतिनाथ का उल्लेख भी किया गया है। दक्षिण में कर्नाटक में जैन मंदिरों को बसदी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें GS पेपर 1 में भी आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ आप देख सकते हो। खजुराहो मंदिर श्रृंखला में आदिनाथ मंदिर, बाहुबली की विशाल गोमतेश्वर प्रतिमा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रमुख है। और वास्तुकला में ताड़पत्र का प्रयोग जैनियों ने ही यहाँ पर किया था। तो ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जैन धर्म द्वारा दिए गए थे भारतीय कला और संस्कृति के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म का मूल्यांकन के बारे में। तो यहाँ प्रॉपर टॉपिक में एक एक टॉपिक कराती जा रही हूँ, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका। आप अगर आपको अलग से सत्य पे पूछ लिया जाएगा, परिग्रह पे पूछ लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग भी कर सकते हैं, और एक साथ अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए मूल्यांकन के अंतर्गत पहले सकारात्मक पक्ष देख लेते हैं। तो सबसे सकारात्मक पक्ष है अस्ते। अस्ते मतलब होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे हमने इनके पांच सिद्धांतों की बात की थी पंच महाव्रत, तो उसमें अस्ते था किसी की भी वस्तु को बिना उनकी अनुमति के ग्रहण नहीं करना। अगर पूरी दुनिया ये समझ जाए तो ये मारपीट लूटपाट जो हो रही है वो सारा यहाँ खत्म हो सकता है। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संचय ना करना। तो जो इस समय हम कह सकते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये जो संपत्ति का संचय एक बड़े अमीर वर्ग में होता जा रहा है, तो अगर इस धारणा को, ये सकारात्मक पक्ष है जैन धर्म का, अगर इसको अपना लिया जाए तो ये खाई भी मिट सकती है अमीर और गरीब वाली। सत्य तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सत्य एक सकारात्मक पक्ष है जैन दर्शन का। स्यादवाद मतलब कि एक प्रॉपर बात को, मतलब एक अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है दो लोगों के बीच में, तो वहाँ स्यादवाद का सिद्धांत काम करता है कि ना आप सही ना आप सही, चलिए बीच का रास्ता अपनाते हैं, तो इसे ही स्यादवाद कहा जाता है। ये जो स्यादवाद है, अहिंसा का मूल्य अत्यंत व्यवहारिक है, मतलब कि स्यादवाद के अंतर्गत ही हम लोग अगर दूसरों की बात को मान लेते हैं तो फिर अहिंसा जो होती है वो यहाँ पर काम करने लगती है। नेक्स्ट है वितरण मूलक न्याय सुनिश्चित करने के लिए, ये फिर वही अपरिग्रह वाली बात आ जाती है कि सबको इक्वल न्याय देने के लिए जैन दर्शन के अंतर्गत बात की गई है। इसके अलावा आप यहाँ लिख सकते हो कि जाति व्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए भी जैन दर्शन में बात की गई है। आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद के निराकरण में ये सहायक होती है, क्योंकि अगर कोई अस्ते, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा भी यहाँ आप जोड़ सकते हो, तो ये सारी चीज़ों का अगर पालन करता है तो ना आतंकवाद होगा, ना नस्लवाद होगा, ना क्षेत्रवाद होगा। तो इन सब चीज़ों में ये सकारात्मक पक्ष देता है जैन धर्म। बट ये चीज़ है कि इसे मानने की आवश्यकता है कि कौन किसका कितना इसे किस लेवल पे मानता है। चलिए नेक्स्ट नकारात्मक पक्ष की हम बात करते हैं। तो क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो दर्शन ने हम लोगों को दी हैं? तो ये है ब्रह्मचर्य की धारणा मुश्किल और अवैज्ञानिक है। जो यहाँ पर ब्रह्मचर्य की धारणा कही गई है कि स्वादिष्ट भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और सुखपद बिस्तर पे नहीं छूना चाहिए, तो इस सब की जो धारणा है वो आज के ज़माने में जो हम प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़। जैन सिद्धांत अत्यंत कठोर होता है। कठोर इसलिए कहा जाता है कि उसमें अहिंसा का जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा कठोर है। यहाँ किसी के बारे में बुरा सोचना भी पाप कहा गया है, तो ऐसा तो कोई भी मुनि नहीं हुआ है जो किसी के बारे में बुरा ना सोच सके, तो ये सिद्धांत थोड़ा सा कठोर कहा जा सकता है। आदर्श पूंजी निर्माण यहाँ असंभव हो जाता है। आदर्श पूंजी निर्माण इसलिए असंभव होगा क्योंकि यहाँ कहा गया है अपरिग्रह की अवधारणा कही गई कि अगर कोई पूंजी का संचय ही नहीं करेगा तो फिर पूंजी का निर्माण कैसे किया जाएगा।
नेक्स्ट है मोक्ष की पारलौकिक धारणा आधुनिक युग में असंभव, क्योंकि आधुनिक युग में कोई भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, उनके अंदर सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के गुण नहीं आ सकते, और ये गुण नहीं आएंगे तो फिर वो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। और आज के जमाने में ये चीज़ें तो बिल्कुल ही काल्पनिक मानी जाती है। लेस्ट है लिंग असमानता, तो ये जो दिगंबर संप्रदाय था जैन धर्म में, ये महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता था, इसलिए लिंग असमानता की दृष्टि से भी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको होप समझ में आ गई होंगी। तो आज हमने पूरा जैन दर्शन यहाँ कंप्लीट किया। अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी टॉपिक है, छोटे से छोटा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं प्रॉपर इस पर वापस वीडियो ज़रूर बना के आपको दूंगी, या नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट किसी दार्शनिक के बारे में, समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे तो मैं पहले एक्सप्लेन करके फिर आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।